लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह से मिलने पहुंचे गौ सेवक। अपनी विभिन्न मांगों के चलते मिलने पहुंचे गौ सेवकों को मंत्री ने दिया आश्वासन। देवेंद्र चौरसिया मामले में पथरिया विधायक ने अब जेल विभाग को किया कटघरी में खड़ा। भोपाल में रामबाई ने जेल अधीक्षक पर परिजनों सहित 16 लोगों से 51,000 रुपए महीना मांगे जाने का लगाया आरोप। कृषि उपज मंडी पंधाना में इन दिनों हो रही सोयाबीन की बंपर आवक, मक्का की फसल भी किसान लेकर आ रहे मंडी। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह से अपनी विभिन्न मांगों के चलते मिलने पहुंचे गौ सेवकों को आश्वासन देते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि वे उनकी मांगों का मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर जल्द ही निराकरण करेंगे। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश गौ सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पशुपालन मंत्री से मुलाकात कर उन्हें मानदेय और अन्य सुविधाएं घोषणा पत्र के आधार पर देने की बात की थी। साथ ही गौ सेवकों का कहना था कि वह चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विगत 20 वर्षों से शुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसी दौरान मंत्री लाखन सिंह यादव के बंगले पर पहुंचे सहमंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की भी पशुपालन मंत्री से लंबी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसके पहले राकेश सिंह जी ने बयान दिया कि ये तो कांग्रेस की परंपरा का सीट है। तो अच्छी बात है, राकेश सिंह मतलब प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ऐसा है, उनको आवाज है तो उन्होंने ठीक बयान दिया है। अब उनको और क्या कहेंगे, वो यही कहने के लिए रह गया उन पे। तो उन्होंने ठीक बयान दिया है, कांग्रेस की परंपरा का सीट है। दो तीन बार उन्होंने छीन ली थी हमसे, लेकिन हमारी सीट है हमेशा से जो है, और कल जो रिजल्ट आएंगे वो भी हमारे पक्ष में ही आएंगे। सर, चाचोला से जो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी के घर के सामने धरने पर बैठे हैं, अलग जिला बनाने की मांग। उनकी अपनी मांग थी कि जो है हमारे जिले को, हमारे रावगढ़ को भी जिला बनाया जाए, मांग थी। तो मांग रखना कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने मांग रखी थी, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी ने समर्थन किया। हाँ, मुझे अभी पता लगा कि शिवराज सिंह जी अभी उनके घर पे भी गए थे और 15 मिनट कुछ अलग से चर्चा भी की थी। अब ये क्या चर्चा हुई है, ये तो मुझे लगता है उनसे ही ज़्यादा आपको जानकारी मिल पाएगी। सर, ये कुछ मांगे हैं। हाँ, इनकी मांगों पे हम लोग पूरी गंभीरता से चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है और गौ सेवकों की जो हमारी मांग है उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों पे हम लोग अमल करके उनको काम पूरा करें। सर, शहर की फिजा थोड़ी बदली दिख रही है। लव जिहाद जैसा मामला भोपाल शहर में पूर्व विधायक ने उठाया है, आपके ही विधायक हैं, उन पे आरोप लगाया है। इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वो उनका आपसी मैटर है, घर परिवार के मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। सर, इसके अलावा जो अभी मवेशी हैं सड़कों पर बैठे हुए, कई मध्य प्रदेश में जब राजा दिग्विजय सिंह जी की सरकार यहाँ से गई थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में पदार्पण हुआ था, उस समय निराश्रित गोवंश जो है यहाँ 35 से 40 हज़ार था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय के नाम पे, भगवान राम के नाम पे राजनीति करती रही। 15 साल में जब उन्होंने हमको गवर्नमेंट सौंपी है, तब यहाँ मध्य प्रदेश की निराश्रित गोवंश की जो तादाद है वो 10 लाख से ऊपर है। ये हमारे लिए बहुत चुनौती भरा काम है। निश्चित तौर पर हमने पिछले 9 महीने के अंदर में मध्य प्रदेश में 1,000 गौशालाएँ बना के तैयार किए। हालांकि 1,000 गौशालाएँ बहुत कम है, उसमें 1 लाख निराश्रित गोवंश शिफ्ट होगा। फिर भी हम लोग कुछ नई पॉलिसी उसमें लेके आ रहे हैं और हमारा टारगेट है, मेरा खुद का विजन है कि आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश में जो 10 लाख निराश्रित गोवंश है वो सारे के सारे को सम्मान के साथ संधारण संवर्धन करने के काम करेंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाले 2 साल में जो अभी एक बड़े पैमाने पे बात उठती है, रोड़ों पे गाय हैं, खेतों में गाय हैं, ऐसे निराश्रित गोवंश आपको 2 साल के बाद रोड और खेतों में नहीं दिखेंगे, पूरी तरह गौशाला में शिफ्ट हो जाएंगे। अंतिम सवाल सर, मछली पालन को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ चीज़ें? आज मैं अभी उसी बैठक में से आ रहा हूँ और 2 बजे से पुनः फिर हमारी बैठक है। इस ओर हम लोग फिशरीज को लेकर काफ़ी चिंतित है। हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में जितना भी मत्स्य किट जो लोग करते हैं, फिशरीज का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम नई पॉलिसी और योजना तैयार कर रहे हैं और उस पर आज डिस्कशन। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखो, हम पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित एक
ट्रेंड मतलब डॉक्टर जैसे हैं जो विभाग में निःशुल्क टीकाकरण, बलियाकरण, प्राथमिक उपचार और कृत्रिम गर्भाधान का काम करते आ रहे हैं। 20 साल हो गए हमको काम करते करते, जिसकी आज तक हमारे विभाग ने सूद नहीं ली, सिर्फ हमसे काम कराना जाना। इसीलिए आज हमने मंत्री जी को दीपावली पे मिठाई खिलाई। मंत्री जी द्वारा जल्द से जल्द बोला गया है कि हमारे CM साहब से चर्चा हुई है, आपकी मांगों पर जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और हमारी मांग थी पंचायत स्तर पर नियुक्ति और एक निश्चित मानदेय, इन्होंने वचन पत्र में लिया भी है कि ग्राम प्रशासनिक सेवा और एक निश्चित मानदेय गौसेवकों को दिया जाएगा। आज मंत्री जी से मिलने आए? हाँ, हमने दीपावली की मिठाई खिलाई मंत्री जी ने, और मंत्री जी ने कहा है कि जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी की जाएगी। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया कांड मामले में पथरिया विधायक रामबाई ने अब जेल विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। उनके देवर सहित इस हत्याकांड के आरोपियों को दमोह से बाहर स्थानांतरण किए जाने को लिखे गए पत्र पर गृह मंत्री बाला बच्चन से मिलकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिश की है। बुधवार को भोपाल में रामबाई ने इस प्रकरण में जेल अधीक्षक पर ही उनके परिजनों सहित 16 लोगों से 51,000 रुपए महीना मांगे जाने का आरोप लगाया है। रामबाई भोपाल में गृह मंत्री के बंगले पर पहुंची, मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश की जेलों में पदस्थ जेलर व जेल अधीक्षक बंदियों से रुपयों की मांग करते हैं, जो उनकी मांग की पूर्ति नहीं करता है उसे पीटा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बहुत ज्यादा हैं और पहले तो पूरे मध्य प्रदेश की जेलों में बहुत प्रताड़ित हैं कैदी, हवालाती, सभी दोषी भी हैं और निर्दोष भी पड़े हैं, ये सभी जानते हैं। पर जेलों में सुपरिटेंडेंट और जेलर बहुत खराब स्थिति करें, इसका प्रमाण मेरे पास है, स्वयं दमोह जेल का है। अभी 8-15 दिन पहले एक हमारी विधानसभा का व्यक्ति जेल से निकला है, उसके लिए इस तरह तरीके का सुपरिटेंडेंट ने पिटवाया था कि वो पीछे पूरी खाल उसकी काली पड़ी है। और अगर किसी को देखना हो तो मैं अपने विधानसभा से बुलवा देती हूँ, उसकी तारीख भी बता देती हूँ कि फलानी तारीख में निकला है और इतनी तारीख में जेल में था। बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। मेरे परिवार से भी 16 लोगों के हिसाब में 51,000 रुपये सुपरिटेंडेंट ने मांग रखी, वो देने से मना कर दिया। तो इन लोगों ने एक ने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई, सुपरिटेंडेंट अपने जब भोपाल में मंत्री जी के यहाँ भी एक चिट्ठी लिखी कि उत्पात कर रहे, तब भी एक निरीक्षण कर लें जेल का और सभी कैदियों से पूछ लें कि क्या है, क्या स्थिति है, कि वास्तव में हमारे परिवार के उत्पात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ये कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट अभी गए हैं, बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर इतनी ख़राब स्थिति है सुपरिटेंडेंट की कि वो अति से ज़्यादा कैदियों को परेशान करती हैं और यहाँ तक कि कर्मचारी तक उनसे परेशान हैं। किस तरीके का संरक्षण चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि भाई आज जेलों में जो भी जिनने अपराध किए, जिनने नहीं किए हैं, वो जेल में बंद हैं। किसी के सुपरिटेंडेंट के या जेलर के पिताजी का तो वो खा नहीं रहे, वो अपना तो दे नहीं रहे। ये शासन दे रही, कांग्रेस शासन दे रही है, उनको नियमानुसार खाना मिलना चाहिए, मीनू के अनुसार मिलने चाहिए। और मैं एक अपील और करती हूँ कि भाई जब अपने जो अंग्रेज़ों का शासन था उस समय गुड़ चना दिया जाता था लोगों के लिए, अंदर जेलों में फल फ्रूट दिए जाते थे, ये टोटल बंद कर दिया है। तो जिसको भी अगर जो कैदी पैसों वाले हैं उनके लिए सामान सब जा रहा है, पैसों में सामान जाता है, घी जाता, तेल जाता, गुड़ जाता, फल फ्रूट जाते, घर की सब्जी जाती, रोटी जाती, जिनके पास पैसे हो, जिनके पास पैसे नहीं है उनका कुछ नहीं जाता, वो जेल में। आपका मतलब है कुल मिलाकर भ्रष्टाचार अति से ज़्यादा, अति से ज़्यादा। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसी विधान आपके गृह मंत्री के सामने जो बंगला है, मैं यहीं धरना प्रदर्शन पर बैठूंगी अगर हमारे दमोह जेल के जेलर और सुपरिटेंडेंट को जल्द से जल्द नहीं उधर से लाइन अटैच करें, उन पर कार्रवाई करें। अगर नहीं होगा तो मैं बिल्कुल विरोध में इनके धरना प्रदर्शन पर बैठूंगी। आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश, देखिए सरकार बावजूद आपको इन चीज़ों के लिए मंत्री जी के बंगले पे आना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए ये बात अलग है, सरकार कांग्रेस ये काम अच्छा कर रही, पर उन्हें अवगत कराएंगे तभी तो वो करेंगे अच्छा काम। भाई उन्हें तो जानकारी इतनी है नहीं पूरी, भाई संजय चौधरी जी हैं या जेलर हैं, कोई उनको जानकारी तो दे नहीं रहा कि क्या चल रहा है। संजय चौधरी जी का तो खुद विधानसभा में क्वेश्चन लगा था और वो विधानसभा ने दोषी पाए गए हैं, दोषी सिद्ध हुए हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है, उनके ऊपर मतलब जांच चल रही है, लोग में सभी विभाग उनके ऊपर जांच कर रहे हैं, अब चल रही है। दादा से बात हुई थी, गृह मंत्री जी से बात हुई है कि उनको हटाने की बात चल रही है, तब वो हटेंगे, तब जाके जेलों में सुधार होगा। मैं उनको खुद शिकायत करके आई थी, पूरे उनसे भी जेल, पूरी जेल प्रशासन प्रताड़ित है। अब मैं आप ही के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि हमारे दमोह जेल में जो कितने कैदी पड़े हैं हमारे परिवार के, ये पैसों के चक्कर में अलग अलग पटक रहे, पूरा
कहीं सागर जेल कर देंगे, कहीं मुतके हैं, वो सारे हमारे परिवार के बंधे इसलिए उत्पात कर रहा, पर उत्पात नहीं कर रहे, इनको पैसे नहीं दे रहे, इस चक्कर में ये इधर उधर करने की। कितने पैसों की डिमांड करी जाती है? 51,000 हमारे 16 लोग पड़े हैं अंदर जेल में, 16 लोग की 51,000 की मांग की, हर माह है 51,000 रुपये दें आप तो आपको सब सुविधाएं मिलेगी, ये मिलेंगी। तो हमारे परिवार ने बोला कि जब हमने तो जब पैसे नहीं दिए, जब सरकार में शामिल नहीं थे, आप तो सरकार में शामिल हैं, पैसे ऐसे तो हम देंगे नहीं, तो ये नई नौटंकी कर दी कि पेपर में छपवा दिया कि ये उत्पात मचा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो हमने गृह मंत्री जी से बोला कि एक बार जाके राउंड तो लगाए जेल का, देखें तो सही क्या। आपकी शिकायत पर गृह मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया और उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, गृह मंत्री पर मुझे पूर्ण विश्वास है। कितने दिन का समय? उन्होंने 2-4 दिन का समय दिया, नहीं देंगे तो हम इधर ही बैठेंगे। कृषि उपज मंडी पंदाना में इन दिनों सोयाबीन की बंपर आवक हो रही है, इसके साथ ही मक्का फसल भी किसान मंडी में लेकर आ रहे हैं। मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए की नगद भुगतान की व्यवस्था एसडीएम अनुभा जैन के सख्त आदेश के बाद की है। लाइसेंसधारी व्यापारी भी किसानों की उपज की खरीदी कर रहे हैं। मंडी सचिव आप सिंह किराडे सतत निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बताइए सर, क्या उपज आज जो आई है मंडी में कितनी आवक है और क्या व्यवस्था मंडी प्रशासन ने की है? 2000 बोरी के आसपास सोयाबीन आया है और मक्का 10 क्विंटल के आसपास आया, अच्छे आवक है, नगद भुगतान की व्यवस्था भी अच्छी है और भाव भी किसानों को अच्छा मिल रहा है, जिस सुविधा है तोल भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे से हो रहा है और सभी किसान संतुष्ट है, व्यापारी बंधु भी सभी आ रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं खरीद पा रहे थे वो भी अब चालू हो गए हैं, सभी व्यापारी आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, सभी व्यापारी ले रहे हैं, जो ग्रेन के व्यापारी सभी आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। खरगोन में आगामी दीपावली को देखते हुए खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर खाद्य निरीक्षक नीरज श्रीवास्तव खरगोन बस स्टैंड पहुंचे और यहां से एक निजी यात्री बस से करीब 5.5 क्विंटल मावा जब्त किया। जब्त मावे की कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य निरीक्षक श्रीवास्तव ने बताया कि मावे के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। पकड़ाया मावा बड़वानी से एक निजी यात्री बस के जरिए खंडवा जा रहा था। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे थे 6 बजे से यहाँ पर, और हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ पर कुछ मावा आने वाला है, तो उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं और हमको 5.5 क्विंटल मावा एक बस से उतरता हुआ मिला है, जो यहाँ पर उतारा है बस ने, और ये 5.5 क्विंटल है, इसका 200 रुपये के हिसाब से 1,10,000 करीबन इसका रेट। सर, ये अमाना किस तरह का है क्या? नहीं, ये तो जाँच के बाद मालूम चल पाएगा कि अमाना किस तरह का है, कि माना किस तरह का है, ये एक्चुअली क्या चीज है, अभी इसमें कुछ नहीं मालूम चला है, जांच के बाद मालूम चल जाएगा ये क्या चीज है। कहाँ जा रहा था सर ये? इसमें खंडवा लिखा हुआ है और कंचन श्री लिखा हुआ है, बड़वानी की गाड़ी से उतरा था ये। इसके आ रहा था सर ऐसा कुछ मालूम नहीं, अभी कोई इसका जो मालिकाना हक के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया है, आने पर उसके सैंपलिंग से कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई करेंगे सर आप? इसका सैंपल लेके हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भेजेंगे, यदि कोई मालिकाना हक के लिए आता है तो हम उसकी जब्ती में देंगे, अन्यथा इसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे। सर, जिस बस में रखा है उस बस पे पूछताछ की किसने रखा है मावा? जी, उससे पूछताछ की, बस वाला उतार के चला गया, उसने कुछ बयान देना नहीं बनेगा, तो उस पर बस में कार्रवाई होगी सर? हाँ, बस का हमने नंबर नोट कर लिया है। समाज में भले आज बेटियों को सम्मान दर्जा दिया जाता हो, पर कुछ छोटी मानसिकता के लोग आज भी बेटों को बेटियों से बढ़कर समझते हैं। मामला यूपी के पीलीभीत से है, जहां एक महिला को 3 बेटियां हो जाने के बाद ससुराल पक्ष महिला पर गर्भ में पल रहे 4th बच्चे का लिंग परीक्षण कराने का दबाव डाल रहे हैं, जिसके बाद महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। शिकायत के बाद SP ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 2 बेटियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ी ये गर्भवती महिला आज अपने समाज से परेशान है। आप भी इस युवती की कहानी सुनकर जरूर सोचेंगे कि हमारे समाज में आज भी ये हो रहा है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नगरा फिजा गांव की रहने वाली विद्या शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 2011 के जून माह में न्यूरिया थाना क्षेत्र के धनपुरी गांव के निवासी ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति के घर वाले बहू से बेटे की इच्छा रखने लगे। शादी के बाद से पति बेटे की चाह में 3 बेटियों के पिता बन गए, जिससे पति और उसके परिवार वाले नाराज होकर बहू को तरह तरह की यातनाएं देने लगे। युवती की 3 बेटियों में से एक की मौत हो गई। पीड़ित एक बार फिर गर्भवती है, फिर लड़की ना हो जाए इसके डर से पीड़ित पर लिंग परीक्षण का दबाव बना रहे हैं। महिला ने लिंग परीक्षण कराने के लिए मना कर दिया, जिससे नाराज पति और उसके परिवार वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों आई हो यहाँ, पूरी बात बताओ। हमें सर ये परेशानी है, हम यहाँ पर
हमारे लड़की ये लड़की हैं, हमारे घर वाले और हमारे ससुर दोनों परेशान करते हैं लड़कियों के वजह से। तीन लड़की हो चुकी है, चौथों पाँच महीना बच्चा गर्भ में है, अरे इसको परीक्षण कराओ। तुमने यहाँ किसी शिकायत करी? शिकायत करी, आज हमें पूरे एक महीना ही, 23 तारीख है, 24 तारीख को हम आए, 23 तारीख की घटना ही शायद। अंदर ADG साहब तो उनसे मिली आप? कप्तान साहब से कही हमने, उन्हें मुकदमा दहेज को लिखवा दो, वो भी आज लिखवा हुए उन्हें मुकदमा। वो तो ADG साहब से आप मिली थी, उनसे शिकायत करी आपने? हम थाने, यहाँ CO साहब और चौकी, हर जगह गए, हमारी किसी ने ना सुनी। कितनी बेटियाँ हैं आपकी? तीन बेटी थी, एक खत्म हो गई, दो है। और संजय सिंह दरोगा चौकी के कह रहे हैं वो एक पलना है, दूसरी बुकिंग तैयार हुई गई। अच्छा, तुम जांच कराने चाह रही हो? हम ना कराना चाह रहे हैं। पति कहाँ हमारा? वो अपने पापा के पास है। तुम कहाँ रहती हो? हम धनकुनी रहते हैं, बेबी धनकुनी रहते। मायके में रहती हो? ससुराल में रहती? ससुराल में रहते हैं हम। तीन बच्चा लेके हम कहाँ जाएं? तीन बच्चा हमारे एक पेट में है, दो साथ में है, इनको पालन पोषण कहाँ करना जाएगी, कहाँ लेके इनको रहा जाएगी? जांच क्यों करवाना चाह रहे हैं पेट में जो बच्चा, उसके लिए? लड़का है या लड़की, जांच कराओ, ऑपरेशन कराओ। लड़की होगी तो? लड़की होगी तो जान से मार देंगे उसको। पीड़िता किसी तरह न्यूरिया थाने में शिकायत करने जाती है, लेकिन पुलिस बीते कई दिनों से उसे ठहला रहे हैं। आज मजबूरी में पति की पिटाई से घायल गर्भवती महिला अपने दो छोटी छोटी बेटियों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आई। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता से शिकायत सुनकर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीलीभीत से सतीश द्विवेदी की रिपोर्ट। एक घटना अभी संज्ञान में आई है, जिसमें एक महिला ने यह शिकायत करी है कि उसके घर वालों ने उस पर अत्याचार किया, उसके साथ मारपीट करी। चूँकि पहले से उसकी दो बेटियां हैं और फिर से वो प्रेग्नेंट है, तो घर वाले शायद उस पर ये दबाव बना रहे हैं कि इस बार लिंग परीक्षण करा कर, अल्ट्रासाउंड करा कर देखा जाए, और उसके बाद अगर लड़की निकलती है तो उसके ऊपर दबाव बनाएंगे उसको गिराने का। तो मैं ये बहुत साफ कर दूं कि पहले तो ये लिंग परीक्षण जैसा कुछ भी जो एक्शन है ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। घर वालों को भी ये मालूम होना चाहिए कि गैरकानूनी है, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, और जहाँ इस तरह के परीक्षण होते हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इस तरह का दबाव बनाना, इस तरह का अत्याचार करना, ये इस पूरा सामाजिक विषय है, और महिला अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही संवेदनशील है। अगर कोई भी इस तरह का अत्याचार महिलाओं के साथ कर रहा है तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, इसमें मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित विवेचना की जाएगी, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पूरे समाज को हमारे साथ ये समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की चीज़ों से बचें। आज वो समय नहीं रहा कि आप लड़के और लड़की में भेद करें, और ये पूरी तरह गैरकानूनी भी है, इसमें हम उचित पुलिस कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।